Do you think people with endometriosis do not conceive? ऐसा है क्या? ऐसा रियली है क्या? यू विल फाइंड मेनी पीपल विथ एंडोमेट्रोसिस दे कंसीव. सो इज इट द रियल रीजन फॉर द नॉन कंसेप्शन? नो, नॉट एग्जैक्टली. इट कैन प्ले अ लिटिल हिंड्रेंस, प्ले अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक रोल इन कंसेप्शन, बट इट इज नॉट द रीजन. इट may not be the reason why you are not able to conceive. The second thing is, are you doing anything? Even after IVF, the fetus will be implanted in your uterus. आपके ही गर्भ में तो वो फीटस को डाला जाएगा. क्या आपकी क्षमता है उसको रोक पाने की, होल्ड करने की, ग्रो कर पाने की? उसके लिए क्या करें? What are you doing for that? आपको तो कुछ करना ही पड़ेगा. इवन इफ यू वॉन्ट दैट योर कंसेप्शन, योर IVF इज सक्सेसफुल, यू विल हैव टू क्रिएट अ स्ट्रेंथ इन योर यूटरस, अ स्ट्रेंथ ऑफ योर ओन सिस्टम, हु विल बी एबल टू होल्ड द बॉडी. सो प्लीज यूज योर विजडम. इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अपने बुद्धिमानी को इस्तेमाल करें. एंड यू मस्ट स्ट्रेंथन योर सिस्टम, अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करें. एंडोमेट्रोसिस इज नॉट द ओनली हिंड्रेंस, और इट इज नॉट द रीजन व्हाई यू कैन नॉट कंसीव.